सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। मैं 7 बजे उठा था। फिर 7 बजने के बाद मैंने ब्रश किया, फ्रेश व्रेश हुआ। कल हम लोग वाटर पार्क गए थे तो मैं थोड़ा टायर्ड भी फील कर रहा हूँ अभी। और आज हम लोग जाने वाले हैं मुजफ्फरनगर, क्योंकि दादी के नीज़ का होने वाला है ऑपरेशन, क्योंकि उन्हें काफ़ी समय से पेन हो रहा था उनके पैरों में। तो आज हम लोगों ने डिसाइड करा है कि आज उनका ऑपरेशन हो जाएगा। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मुजफ्फरनगर, जो कि रुड़की के पास ही पड़ता है। और चलो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे मुजफ्फरनगर के लिए। और चलो अभी चलते हैं हम अपने यात्रा की तरफ, और फिर वहाँ पर मिलेंगे बाबा दादी से और होटल भी बुक कर लेंगे। फिर आएँगे मंडे को, क्योंकि ट्यूजडे से हैं मेरे एग्ज़ाम। सो अभी हम लोग हैं जाने के लिए तैयार मुजफ्फरनगर। तो अभी हमने टैबलेट ले लिया, हेडफोन्स मैंने लगा लिए हैं, तो पूरे रास्ते टैबलेट चलाएंगे, हेडफोन्स में गाने सुनेंगे। तो चलो अभी हम लोग निकलते हैं मुजफ्फरनगर के लिए। सो गाइस चलो अभी हम लोग चलते हैं नॉन स्टॉप मुजफ्फरनगर। यहाँ से कितनी देर लगेगी पापा? 1 आवर लगेगा यहाँ से पहुँचने में। फिर हम लोग वहाँ जाके लेंगे होटल, फिर उसके बाद मिलेंगे हम लोग बाबा दादी से। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर, और हम लोग हॉस्पिटल भी पहुंच चुके हैं। हॉस्पिटल का नाम है वर्धमान हॉस्पिटल। तो अभी हम लोग गाड़ी पार करेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग बाबा दादी के पास। बाबा दादी अंदर ही होंगे ना पापा? हाँ, वो पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग गाड़ी पार करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे अंदर। सो गाइज हम लोग वर्धमान हॉस्पिटल तो पहुंच चुके हैं, और हम लोगों ने अपनी गाड़ी भी यहाँ पे पार्क कर ली है। हमने अभी बाबा दादी को फ़ोन करा था तो वो कह रहे थे कि हम लोग अभी दूसरे हॉस्पिटल में हैं, वो अभी दादी के पैरों का टेस्ट करा रहे हैं। दादी आज हॉस्पिटल में ही रहेंगी और कल सुबह है उनका ऑपरेशन। फिर एक हफ्ते तक वो रहेंगी हॉस्पिटल में ही, फिर उसके बाद वो चलेंगे हमारे साथ नोएडा। और ट्यूसडे से मेरे एग्ज़ाम है, तो मेरे को मंडे को पापा मेरे को छोड़ के आ जाएंगे मम्मी के साथ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है स्कूल में। तो फिर चलो अभी बाबा दादी का वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर। और देखो वेदर कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, पर बारिश हो नहीं रही है, हवा चल रही है। मिलते हैं जब बाबा दादी आएंगे। सो गाइस अभी हम लोगों ने ली है यहाँ पे अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। तो भाई देखो ऊपर कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, तो इसे हम लोग अभी फटाफट पीते हैं। अभी हम लोग यहीं कैंटीन में बैठे हैं, क्योंकि हमें एक ही आदमी अलाउड है दादी के रूम में। तो अभी हम लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं और फिर कॉफ़ी पीते हैं। चलो हेलो। हाँ पापा ठीक हो? अच्छा, मतलब आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? बोर हो रहे हो या फिर मन लग रहा है वहाँ? हाँ, और दादी क्या कर रही है? हेलो। हाँ दादी नमस्ते, क्या कर रहे हो? अच्छा खाना खा लिया? कैमरा थोड़ा ढंग से पकड़ो, फेस दिखाओ अच्छे से अपना। हाँ अब ठीक है ना? और खाना खा लिया? हाँ, और डरना मत, कल ऑपरेशन है 6 बजे। हाँ, और चलो अभी सो जाना जल्दी, फिर खाना खा के। खाना खा लिया? अच्छा तो अभी सो जाना, फिर सुबह 6 बजे ऑपरेशन, डरना मत। हाँ चलो ठीक है फिर। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। दादी को मेरा गुड। ठीक है चलो बाबा, ठीक है बाबा नमस्ते।
गाइस दादी आ चुकी है हॉस्पिटल से। और दादी ठीक फील हो रहा है अभी? अच्छा, पैरों में दर्द है? अच्छा, तो कुछ दिनों बाद वो भी ठीक हो जाएगा। फिर मैं सब लोग मार्केट में, चलो खाना खा लो आप, अभी रेस्ट कर लो, ठीक है? चलो बाय बाय, आराम कर लो, अब सो जाना अभी। ये देखो आज का मौसम कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, और पार्क है सामने हमारी सोसाइटी के जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तीन चार दिन से इतनी ज़्यादा खतरनाक गर्मी पड़ रही थी ना, और अब इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा हो गया ना मौसम, तो बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे हिमाद्री का केक लेने के लिए, उसको अभी नहीं पता कि हम लोग लेने जा रहे हैं, हम उसे सरप्राइज़ करेंगे, तो चलते हैं नीचे। सो गाइस यहाँ पे चल रही है दादी के घुटनों की एक्सरसाइज, और दादी मज़ा आ रहा है? दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द होगा अभी, तो धीरे धीरे ठीक हो रहा होगा। ये देखो क्या झूठ बोले, क्या झूठ बोले। चलो दादी की यहाँ पे एक्सरसाइज चलती है, हट जाओ, दादी को आराम से जाने दो। झूठ बोले? क्या झूठ बोला? नहीं बता क्या झूठ बोला। तेरे को लगा? मेरे को तो पता था यहीं पे वॉक करेंगी, नानी बाहर कैसे जाएंगी, इनके पैर में चोट लगी हुई है। पैर में चोट लगी है तो आप ब्लॉग क्यों बना रहे? क्योंकि मेरी मर्जी, मेरी दादी है, मेरी नानी है। तेरे से पहले मेरी दादी बनी थी, तेरे से पहले दादी बनी थी मेरी। और मेरी हील नहीं है, वो सैंडल्स है नॉर्मल। नहीं हील है। अच्छा हील है, चलो भाई ठीक है, तेरा मन उदास नहीं करते हैं। अब एक और चक्कर बाबा, बस पहले दिन के हिसाब से तो ठीक है, बस और चलना है, और चलना है, हिम्मत और चलना है, जितना चलने की जितना फायदा मिलेगा सबसे, आ जाओ, फायदा फर्स्ट, चलो कम ऑन कम ऑन, पांच बाबा पकड़ लो। यहाँ पे चल रही है दादी के घुटने।